लीडरशिप सेशन, और आज बहुत ही जबरदस्त टॉपिक पे बात होने वाली है, जिससे आपका बिजनेस है ना, जितना 1 साल में हुआ है या जितना 6 महीने हुआ है, जितना 2 महीने हुआ है, उसको आप बहुत फास्टली ग्रो कर सकते, लेकिन अगर आप उसको अप्लाई करोगे, है ना। और उसके लिए हमने एक बहुत ही जबरदस्त लीडर को भी चुना है जो आपसे बात करेंगे, है ना। मेरे ही नाम राशि के हैं, आज हम दोनों राहुल बात करेंगे। सो सेशन विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, है ना। पहले मैं शॉर्ट सा चीज बताऊंगा, देन राहुल जी विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट थिंग माइंडसेट, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा आपको कि कैसे इस बिजनेस में भी आप इस माइंडसेट को यूज कर सकते हो विद सम स्मॉल कैलकुलेशंस, राइट। तो ज्यादा ना टाइम देके मैं आप सबको बोलता हूँ, सेटल डाउन हो जाइए एंड आई विल स्टार्ट द मीटिंग। सो माइंडसेट, राइट, क्या होता है माइंडसेट? बहुत सारे लोगों ने सुना जरूर होगा एंड बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऑलरेडी है ना। और हमारे हर इंसान का कोई ना कोई माइंडसेट जरूर होता है, आप चाहे वो फिक्स माइंडसेट हो चाहे वो ग्रोथ माइंडसेट, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करें, लेकिन है किसी ना किसी का। लेकिन जब आप इस बिजनेस में आ गए हो तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज पक्का है, देखिए मैंने पीछे लिखा हुआ है ना, इस बिजनेस में आप क्यों आए हो? इस बिजनेस में आप आए हो अपने ड्रीम्स के लिए, है ना। एंड मैंने क्या लिखा है, ड्रीम ऑलवेज कम ट्रू, सपने हमेशा सच होते हैं, प्रोवाइडेड आप सही माइंडसेट के साथ उसको पूरा करने में लग जाए, है ना। आज की सारी टॉक माइंडसेट के ऊपर होने वाली है, तो प्लीज मैं एक बार फिर बोलूंगा, जितने भी लोग यहां पर हैं, है ना, बैठना इज अ डिफरेंट थिंग, सुनना इज अ डिफरेंट थिंग, है ना, लेकिन सुन के उसको, है ना, अप्लाई करना, उसको समझना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और आज मैं एक स्टोरी से शुरू करूंगा अपनी बात एंड देन मैं राहुल जी की तरफ उनको मूव फॉरवर्ड करूंगा। आज एक स्टोरी मैं पढ़ रहा था, शायद पहले भी आप लोगों ने बहुत बार सुनी होगी। दो दोस्त होते हैं, बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, दोनों जॉब कर रहे होते हैं बढ़िया पोजिशन पे, और दोनों को लगता है यार बहुत टाइम हो गया, हमने बहुत जॉब कर ली, बहुत कुछ अपनी लाइफ में अचीव कर लिया, अब कुछ अपना काम कर, कुछ अपना काम किया जाए यार, मजा आएगा। तो वो कहीं ना कहीं दोनों डिसाइड करते हैं आराम से, कॉफी वॉफी पे अपने दोनों मिलते हैं, डिसाइड करते हैं, दोनों की कंपनी में होते हैं, बोलते हैं यार इतना टाइम हो गया, ठीक है सब कुछ सही है, अब हम कुछ काम भी करेंगे तो सब कुछ बढ़िया होगा, अपने कुछ लोन वोन सब क्लियर हो गए, कोई डेब्ट फ्री है हम, और थोड़ा बहुत सेविंग भी है, हेल्थ वेल्थ का भी सब कुछ बढ़िया है, तो चलो यार दोनों क्विट करते हैं और फिर अपना काम कुछ शुरू करते ना। तो दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं और एक दिन ऑफिस जाते हैं और ऑफिस के अपने केबिन से निकलते हैं दोनों, और दोनों रेजिग्नेशन लेटर देते हैं, एक्सेप्ट हो जाता है क्योंकि कंपनी में अच्छा नाम था तो उनको लगा कि चलो, है ना, एक्सेप्ट कर लिया, तो एक्सेप्ट हो जाता है। उसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं तो 1-1.5-2 किलोमीटर के आगे जाते हैं, है ना। उसके बाद एक उसका फ्रेंड बोलता है, जो उनमें से एक होता है, बोलता है यार मैं ना अपने केबिन की लाइट खुली छोड़ दिया, या मेरे केबिन में लाइट और फैन चल रहा है यार, मेरे को ना उसको बंद करके आना है। तो दूसरा फ्रेंड बोलता है यार क्या करना है, अब तो हमने रिजाइन कर दिया, है ना, अब क्या फायदा है, अब तो हमने रिजाइन कर दिया, क्या करना है इसका। तो बोलता है नहीं नहीं यार तुम जाओ अपनी जगह, तुम्हें जहाँ जाना है, तुम घर जा रहे थे दोनों, है ना, पैदल पैदल, पुरानी कहानी है तो गाड़ी नहीं थी उनके पास, दोनों पैदल पैदल वॉक करते करते जा रहे थे, है ना। तो बोलता है यार तू चल, मैं करके आता हूँ। नहीं नहीं ऐसे नहीं बोलता वो, मतलब बोलता है कि चलो यार ठीक है चलते हैं, और वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद, लगभग 5-6 साल बाद, 10 साल बाद, दोनों मिलते हैं। और कहाँ मिलते हैं, उसका जो एक फ्रेंड होता है वो जाता है कहीं पे जॉब कर, और जब उसके इंटरव्यू का नंबर आता है वो अंदर जाता है, तो वहां पर जो उसका बॉस बैठा होता है, वो बॉस वही उसका फ्रेंड होता है, वो सीईओ उस कंपनी का, वो मालिक उस कंपनी का, वही फ्रेंड होता है वो, जो जिसने अपनी जॉब साथ में छोड़ी थी जिन्होंने, है ना, जिन्होंने दोनों साथ में, तो एक मतलब वहां का मालिक बन गया था और एक अभी भी जॉब सर्च कर रहा था। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, बहुत सारे हक्के बक्के रहते हैं, यार ऐसा कैसा हो गया, तू बॉस, तो वो उसको जॉब में तो रख लेता है क्योंकि अच्छा दोस्त था, तो उसकी हेल्प करना चाहता था, उसकी हालत भी थोड़ी सी खराब थी, तो जॉब वॉब होती है, ऑफिस का काम होता है। जब ऑफिस खत्म होता है तो वो उसको बुलाता है और वो साथ में कॉफी बोलते हैं, चल यार कॉफी, दोस्तों थे ही, कॉफी पिलाता है और वो बोलता है कि यार ऐसा क्या हो गया तेरे साथ कि तूने इतनी अचीवमेंट हासिल कर दी और मैं वहीं का वहीं हूं, मैं आज भी नौकरी कर रहा हूँ, तब भी कर रहा था, है ना। तो उसका दोस्त बोलता है देख वैसे तो मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट तूने आज बात छेड़ी तो मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, है ना। उस दिन जब हम ऑफिस से निकले,
है ना, इसको प्लीज ध्यान से सुनिए। जब हम ऑफिस से निकले तो मैंने तेरे को बोला मेरे केबिन की लाइट और फैन खुल, और फिर हम वहां से अलग अलग हो गए। तूने बोला क्या करना, मैं उसके बाद जैसे ही तू गया मैं अपने ऑफिस वापस गया, मैंने वो लाइट एंड फैन बंद कर। इससे क्या उसको समझ आया ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका माइंडसेट ये था कि मैं तब भी मालिक था, चाहे मैं जॉब कर रहा था, लेकिन मैं जिस भी पोजीशन में था मैं वहां पर मालिक था, और मैं आज भी मालिक। और तू तब भी इंप्लॉयर था और आज भी इंप्लॉयर है, बस यही डिफरेंस है। अब इसमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस केवल माइंडसेट का। जो आप समझेंगे, वो बंदा जॉब कर रहा था फिर भी उसको लग रहा था ये मेरी कंपनी है, मेरा केबिन है, ये मेरी बिजली जाएगी, ये शायद मेरी लाइट खराब हो सकती है, मेरा फैन खराब हो सकता है। लेकिन वो जो दूसरा बंदा था जो जॉब वाला था, वो जॉब माइंडसेट वाला था, वो बोलता चलना कोई नहीं यार, कंपनी का जा रहा है, सब कुछ हम जा रहे हैं। उसी तरीके से ये स्टोरी सुनाने का मेरा एक ही मकसद है, उसी तरीके से जिस तरीके से आप इस बिजनेस में आ गए हैं, आपके ड्रीम्स जग चुके हैं। एंड बहुत सारे लोग इस बिजनेस को करते हैं, आज जब आप बहुत सारे लोगों से बात करते होगे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आपको मिलते हो, लेकिन सबका एक ही रीजन, जो मुझे लगता है रीजन एक ही है कि जो सक्सेसफुल हो गए, मान लेते हैं यहाँ पर हम सक्सेस की बात करेंगे, आलोक सर है ना, बड़े बड़े लीडर्स, मनोज भाई है ना, जो प्लैटिनम से नब की बात करेंगे, राइट, वो उन्होंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा और मालिक के माइंडसेट से, ये मेरा बिजनेस है, मैं हूं तो एमवे से जुड़ा हुआ, मैं हूं तो एक टीम से जुड़ा हुआ, लेकिन वो टीम ने मुझे बता दिया, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आ गई, अब मैं और मेरे बाद जो भी आएगा वो मेरी ऑर्गेनाइजेशन। एंड बहुत सारे लोग जो फेलियर हो गए ना इस बिजनेस में, वो यही सोचते रहे कि यार ये एमवे का बिजनेस है, ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है, ये मेरी डाउनलाइन का बिजनेस है, ये ऊपर चला गया, वो नीचे हो गया, ये पहले पहुंच गया, वो बाद में पहुंच गया, दैट्स इट। तो आज मेरा मकसद आपके साथ एक जरूर रहेगा, जितने भी लोग आप यहां पर, कम से कम अगर आप इस बिजनेस से एक ऐसी इनकम चाहते हैं, है ना, सपनों की बात कर रहा था ना मैं, अगर आप चाहते हैं कि सपने पूरे हों, तो एक ओनरशिप वाला माइंडसेट लीजिए, एक ऐसा माइंडसेट लीजिए कि आपको लगना चाहिए कि मेरी कंपनी है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे इसको बढ़ाना है, कोई करे चाहे ना करे, कोई यूजर बन रहा है नहीं बन रहा है, क्या आप हो, राइट, कोई प्रोस्पेक्टिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, आप कर रहे हो क्या, आपकी कंपनी होती तो आप ही तो लाते ना लोगों को इंटरव्यू लेते, है ना। तो अगर इस तरीके का माइंडसेट लेके आप चल सकते हो, और कुछ समय की बात है, भले ही चेंज होने में टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि बचपन से हमारा माइंडसेट क्या बना हुआ है, बच्चे गिर जाओगे, तुम कुछ नहीं कर सकते, टाटा बिरला कौन बनता है, अमीर तो अमीर होते हैं, है ना, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहा है, यही तो बोलते हैं, और बचपन से हम यही सुन रहे हैं, इसीलिए क्या हो गया, हमारा माइंडसेट भी वैसे ही डेवलप होता है। एक दिन में नहीं होगा, समय लगेगा, लेकिन अच्छी बात क्या है कि बदला जा सकता है। इस बिजनेस में, इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए माइंडसेट बदला जा सकता है, है ना? और इस बिजनेस में ही नहीं, अगर आप कहीं भी बात करेंगे जिंदगी में, किसी भी फील्ड में, जहां आप अपनी जॉब पे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, कुछ भी हो, वहां भी अगर आपको ग्रोथ करना है तो माइंडसेट के ऊपर काम करना पड़ेगा, राइट। तो मेरी ये छोटी सी एक स्टोरी थी, इससे जरूर आप कुछ ना कुछ सीखिए कि अब आप ये डिसाइड कीजिए कि आप इस बिजनेस को उस माइंडसेट से कर रहे हैं, उस बंदे के माइंडसेट जिसने बोला यार खुली रहने दो लाइट, कोई दिक्कत नहीं है, या उस बंदे के माइंडसेट करा यार ये मेरी बिजली तो नहीं चली जाएगी, या मेरा बिल तो नहीं बढ़ जाएगा यार, मेरा फैन तो खराब नहीं हो जाएगा। तो अगर आप पहले वाले इंसान है जो लाइट बंद करने गए, तो आई एम डैम श्योर, देखिए समय लग सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मंजिल जरूर मिलेगी। लेकिन अगर आप दूसरे वाले इंसान है, फिर आप मेहनत भी करोगे ना और पहुंच भी जाओगे, फिर वो सस्टेन नहीं हो पाए, खुशी हो जाएगी आपको, चलो यार आई हैव डन, लेकिन आप समझो ना व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ लेगेसी इनकम, शायद उसके लिए तो, है ना, आलोक सर हमेशा बोलते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट वेयर यू रीच, इट्स अबाउट व्हाट यू बिकम इन द जर्नी, है ना। आप डायमंड बन रहे हो वो अलग चीज है, वो तो आप स्ट्रक्चर है आपका, बन जाएगा, कोई भी बन सकता है, लेकिन क्या आप अंदर से डायमंड हो,
आप अंदर से वो चीजें ले रहे हो जो एक डायमंड के अंदर होनी चाहिए, क्या अंदर से वो प्रेशर आप ले लो जो एक डायमंड लेता है और तब वो चमकता है। रोशनी देनी है आपको तो सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा बॉस, है ना? राइट, एग्जाम्पल तो बहुत सारे हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन का भी आपने एग्जाम्पल सुना होगा, है ना? उसकी मॉम के घर पे चिट्ठी आई थी उनके स्कूल से, है ना, शॉर्ट में सुनाऊंगा, है ना, उसमें लिखा हुआ था आपका बेटा डम्ब है, कुछ नहीं कर सकता, इसको स्कूल से निकाल दो, है ना? लेकिन जब उसकी मम्मी के पास चिट्ठी आई तो उन्होंने अपने बेटे के सामने क्या पढ़ा, उन्होंने ये पढ़ा कि बेटा स्कूल वालों ने लिखा है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है, हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स नहीं है, हमारी ऐसी किताबें नहीं है कि हम तुझे पढ़ा सके, और देखो बाद में क्या हुआ, सब आपको पता है, रेस्ट इज हिस्ट्री। राइट, तो क्या आप डाल रहे हो यहाँ पर, क्या आप कर रहे हो, क्या आप सुन रहे हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे, है ना? और मैं ज्यादा टाइम ना लेके बहुत ही जबरदस्त एक लीडर को बुलाऊंगा जिनके जिनको मैंने रिक्वेस्ट करी है और उन्होंने आप लोगों के लिए कुछ प्रिपेयर करा है, तो मैं जरूर चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ राहुल चंदेल जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ओवर टू यू राहुल जी प्लीज। थैंक यू सो मच। राहुल जी ने बहुत ही जबरदस्त स्टोरी थी, दैट वाज अ शॉर्ट स्टोरी बट अ स्टार्क रियलिटी आल्सो, कि माइंडसेट के बिना, मतलब माइंडसेट यू नो शेप्स योर डेस्टिनी। अब हम इस बारे में हम बात क्यों कर रहे हैं, व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट माइंडसेट, बिकॉज आपने देखा होगा इतनी सारी मीटिंग्स होती है हमारी, जो हमारे लीडर्स हैं, जो अपलाइन है, वो क्या बात करती है, दे मेनली फोकस ऑन माइंडसेट, कि माइंडसेट लो, ठीक है, जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका माइंडसेट लो, ऑडियो सुनो, वीडियो सुनो, बुक्स पढ़ो, बिकॉज दे हैव यू नो डिस्कवर्ड दिस सीक्रेट कि बिना इसके सफलता नहीं मिलेगी, और वो खुद इसके जीते जागते सबूत हैं आपके सामने। अगर किसी ने आलोक जी की स्टोरी सुनी होगी तो वो कहाँ थे पर उनका माइंडसेट क्या था और वो कहाँ पर हैं आज, और कितने लोग हम में से कितने सारे लोग उनके जैसा बनना चाहते हैं, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट माइंडसेट। व्हाट इज माइंडसेट? अगर इसकी आप एक टिपिकल डेफिनेशन देखते हो तो वो ये होती है कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ योर थॉट्स एंड बिलीफ दैट शेप योर थॉट हैबिट्स। थॉट हैबिट्स होती हैं कि लाइक वो आपके ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग में एम्बेड कर दी जाती हैं चीज़ें कि बेटे तुमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत रिस्की है, तेरे बस की बात नहीं है। और मतलब आपने शायद ये एक्सपीरियंस भी किया होगा, जैसे घर में छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे, तो शैतानी करते हैं, तो जैसे दो बच्चे हैं तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि मेरा ये बच्चा बहुत अच्छा, मेरी सारी बातें मानता है, और बच्चे को क्या लगता है कि हाँ मैं सारी बातें मानूंगा तो बस ठीक है, मेरे को प्यार मिलेगा, अफेक्शन मिलेगा, और वो बस जो माता पिता कह रहे हैं उसी लीक पे चलता रहता है। ही डजंट ट्राई न्यू थिंग्स, वो शैतानी नहीं करता। जो बच्चा शैतानी नहीं करेगा, आप ये सोचो कि उसकी ग्रोथ कैसे होगी, वो अपना दिमाग ही नहीं चला रहा है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रही है। सो जाने अनजाने में ये दिमाग में उसकी चीज़ बैठा दी जाती है कि भाई तू बात मानता रहेगा तो सब तेरे को प्यार करेंगे और बस तू हमारा राजा बेटा बन के रहेगा। बहुत सारे बात होते हैं ना, बहुत सारी बातें होती हैं कि लाइक जैसे कोई सोचता है कि हाँ आई वॉन्ट टू स्टार्ट दिस न्यू बिजनेस या वेंचर, तो सलाह देने वाले भी आ जाते हैं। वो कौन लोग होते हैं? जो हमारे अपने होते हैं, वी आर क्लोज टू, जिन पे हम भरोसा करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो हमें मैनिपुलेट किया हो, कुछ भी किया हो, या उनके भी उनका भी माइंडसेट वैसे ही रहा होगा, तभी वो ऐसी बातें करते हैं। बोलते हैं कि यार तुम्हारे खानदान में किसी ने बिजनेस नहीं किया, तुम क्या करोगे, तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपीरियंस की कोई वैल्यू नहीं, इट हैज़ इमेंस वैल्यू, बट यार किसी ना किसी को तो कोई ना कोई चीज़ शुरुआत करनी पड़ेगी ना, अदरवाइज तो जो जनरेशन पहले थी आगे भी वही काम करेगी, उसके आगे भी वही काम करेगी, ठीक है। अब जैसे राहुल जी टिक्की वाले का एग्जाम्पल देते हैं कि ठीक है, ठेले पर बन टिक्की बेच रहा है तो एक मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, तरक्की किसने की? जिसने सोचा कि हाँ मैं अपना नेटवर्क बनाता हूँ। वो जो बन टिक्की वाला है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ना कन्फाइन होकर रह गया, उसने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई, उसकी सोच ऐसी थी कि वो आगे बढ़ ही नहीं पाया। उसने बोला कि भाई मेरे इतने पैसे रोज के आ रहे हैं, मैं इसमें खुश हूँ। उसका बेटा भी वही काम कर रहा है,
उसका बेटा भी आज वही काम करेगा जो अगर उसने अपना बेटे को कुछ नया माइंडसेट नहीं दिया, या उसका बेटे ने खुद अपने आप को इतना इवॉल्व नहीं किया तो। सो ये सारी चीजें होती रहती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम सभी सुना कि जब हाथी का बच्चा छोटा होता है ना, तो जो महावत होता है वो क्या करता है, उसको पैर में रस्सी बांध देता है, राइट। और बच्चा होता है उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, तो वो कोशिश करता है रस्सी नहीं टूटती। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके दिमाग में बात एम्बेड हो जाती है कि ये रस्सी बहुत स्ट्रांग है, मेरे बस की बात नहीं है इसको तोड़ना। तो वही नहीं, वो मूव ही नहीं करता फिर। बट रियलिटी इज कि हाथी कितना स्ट्रांग होता है सबको पता है। ठीक है, आपको छोटे सा, मैंने कहीं सुना था, मैं एक छोटे सा किस्सा सुनाता हूँ। एक बार एक रात को एक आदमी वापस आ रहा होता है अपने ऑफिस से, तो फुटपाथ के बगल में देखता है कि फुटपाथ पे एक आदमी बैठा हुआ है गरीब सा, और वो रोटी खा रहा है। तो वो जाके क्लोजली देखता है, तो बोलता है वो रोटी ऐसा लग रहा है किसी चीज में डुबा के खा रहा है। बहुत पास जाके देखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता, तो उसे ऐसी मजाक में पूछता है, और भाई क्या खा रहे है? तो बोलता है कि भाई रोटी खा रहा हूँ। और तो बोलता है कि रोटी किस में डुबा के खा रहा है? तो बोलता है चटनी है। तो बोलता है मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बोलता है सोचने में क्या जाता है? तो आदमी उसको तो कुछ नहीं बोलता, पर सोचता है कि भाई सोचना था तो रोगन जोश सोच लेता, मटर पनीर सोच लेता। तो इस किस्से का जो जिस्ट है वो ये है कि उसकी वो अपनी सोच में भी कोई बड़ी चीज नहीं सोच पा रहा। और क्या बड़ा सोचता, खाना ही तो था, वो तो सोच सकता था, सोचना ही तो था। बट यस, बिकॉज उसको माइंडसेट ही नहीं था उसका। सो मैंने आज टॉपिक पे बोलने के लिए रेडी क्यों हुआ, बिकॉज मेरे अपना एक्सपीरियंस है। आई एम अ लाइव एग्जाम्पल। जब से मैंने इस पे काम करना शुरू किया, आई थिंक अ लिटिल मोर देन 2 मंथ्स, गिव और टेक 5-10 डेज, मैंने इस पे काम करना शुरू किया। और आई हैव रेड सो मेनी बुक्स, इतने सारे वीडियोस देखे, उसमें मैंने माइंडसेट के बारे में पढ़ा, एंड आई फाउंड आउट कि दो तरह के माइंडसेट्स होते हैं। एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, एक फिक्स माइंडसेट होता है। जो ग्रोथ माइंडसेट होता है वो वॉरियर मोड पे चलता है, और जो फिक्स माइंडसेट होता है वो सिंपैथेटिक मोड पे चलता है। सो लेट्स सी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। जो ग्रोथ माइंडसेट जिसका होगा ना, वो फेलियर को एज एन अपॉर्चुनिटी लेता है कि हाँ ये फेलियर हुआ है, इट विल हेल्प मी ग्रो। जो फिक्स माइंडसेट होता है वो ये बोलता है कि यस यार, अगर फेलियर हो गया तो दिस इज द लिमिट ऑफ माई एबिलिटीज, मैं इससे ज्यादा नहीं कर सकता। ठीक है, कोई फेल हो गया, ग्रोथ माइंडसेट वाला, आप एक बंदा फेल हो गया, तो जिसका ग्रोथ माइंडसेट है, लोग क्रिटिसाइज करते हैं, फीडबैक देते हैं, तो वो उसको एज अ कंस्ट्रक्टिव चीज लेता है। ठीक है कि हाँ ये गलती हुई है, आई ट्राई टू इम्प्रूव अपॉन इट। और तभी जब आप किसी चीज को इम्प्रूव करोगे तभी तो ग्रोथ होगी ना। बट जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा वो ले लेता है उसे पर्सनली कि यार इसने तो मुझे ऐसे बोल दिया, अब मैं फिर से फेल होऊंगा, ये मेरे को फिर से बोलेगा, लोग क्या कहेंगे, वो इसी चक्कर में फंस के रह जाते हैं। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान होगा, ही विल ट्राई न्यू थिंग्स। जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा बोलते हैं यार जो चीज में मैं अच्छा हूँ, आई विल कीप डूइंग दैट। ठीक है, नथिंग रॉन्ग विद इट, बट अगर आप एक पर्टिकुलर चीज में अच्छे हो, ठीक है आपने स्पेशलाइज किया उसमें, बट क्या एक्चुअली आप जो स्पेशलाइज कर रहे हो, या उस जो भी आपको आता है उसके एक पर्टिकुलर सबसेट में ही आप एक्सेल करने की कोशिश कर रहे हो, और उसमें भी आपको सफलता नहीं मिल रही, यू डोंट इवन वॉन्ट टू ट्राई गेटिंग इन टू न्यू सबसेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ये सारी चीजें लिमिट करती रहती हैं आपको। जो जिसका ग्रोथ माइंडसेट होगा वो क्या करता है, वो खुला ओपन बोलता है कि हाँ चैलेंजेस होते हैं ना, वो मेरे को हेल्प करते हैं ग्रो करने में, मैं अपनी हर कमी को, अपने हर चैलेंज को एज अ स्टेपिंग स्टोन लेता हूँ। जैसे कि अभी राहुल जी ने एल्बर्ट आइंस्टीन की बात बताई, उनकी मदर ने उनको जो माइंडसेट दिया उसका रिजल्ट सामने है सबके। और जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा वो क्या बोलेगा कि भाई अगर मैं फेल हो गया ना, मैं छोड़ दूंगा उसे, मैं करूंगा ही नहीं उसको। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला होगा वो थोड़ा सा जिद्दी बंदे होते हैं, बोलते हैं कि नहीं यार मेरे को करके दिखाना है। ठीक है, जो फिक्स माइंडसेट वाला होगा, यार
मतलब इनके साथ ना थोड़ा सा ये हमेशा डिलेमा में रहते हैं। अगर कोई ने बोलेगा ना कि यार ये तुमसे नहीं हो पाएगा, ये मान जाते हैं कि यार नहीं हो पाएगा, और कोई इनको बोलेगा कि यार तुम ये कर लोगे, तो उसमें भी इसको डाउट रहेगा कि ऐसे क्यों बोल रहा है, जरूर उसका कुछ फायदा होगा। मैं आई डू व्हाट आई एम गुड एट, ठीक है, मैं फालतू में हाथ पैर नहीं मारूंगा, जैसा चल रहा है बढ़िया चल रहा है मेरा, आई एम हैप्पी विद माई करंट स्टेट। वो आगे का सोच ही नहीं रहा है, आगे का बोले तो नेक्स्ट जनरेशन का। अब नेक्स्ट जनरेशन की बात करें, बिकॉज वी आर इनटू दिस बिजनेस, वी टॉक अबाउट लेगेसी। यार आप वही काम करते रहोगे, उसमें एक लिमिटेड आपका यू नो ग्रोथ हो रही है, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। तो उसके लिए हमको एक माइंडसेट लेना पड़ेगा जो कि सक्सेसफुल पीपल का है। आई मीन मैं अगर अपनी बात कहूँ, मैंने फरवरी 2020 में ज्वाइन किया था, एंड दिस इज 2021 नाउ, अ लिटल मोर देन ईयर। मैंने अपने 10 महीने तो ऐसे ही खराब कर दिए, ऐसे ही खराब कर दिए, बिकॉज मेरे को समझ ही नहीं आता था मेरी अपलाइन बोल क्या रही है। मेरे को आलोक जी की बात समझ नहीं आती, मेरे को राहुल जी की नहीं आती, मेरे को मनोज भाई की बात समझ नहीं आती। मैंने कहा यार ये बोलते रहते हैं, मैं भी सुनता रहता था, बहुत सारी बातें थी जो मेरे को समझ नहीं आई। देन अल्टीमेटली वन डे आई सेट डाउन, मैंने कहा यार ये जब बोल रहे हैं तो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो देन आई स्टार्टेड डूइंग इट, और रिजल्ट्स मेरे को मिल रहे हैं, मेरी अपलाइन को पता है, ठीक है, जो पीपल हु आर यू नो क्लोजली एसोसिएटेड टू मी, उनको पता है कि यस थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग नाउ, ठीक है। अब ये जो हमने दो माइंडसेट्स की बात की ना, एक फिक्स्ड और ग्रोथ, सो गुड न्यूज इज कि यू कैन चेंज योर माइंडसेट, ठीक है। उसके लिए टिप्स, मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा। प्लीज डोंट थिंक कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, मैं वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ जो मैंने की है और मेरे को उसका रिजल्ट मिला है। सबसे पहले कि डोंट लाई टू योरसेल्फ, आपको ऑनेस्टी के साथ काम करना पड़ेगा। यू हैव टू यू नो राइट डाउन द ग्राउंड रियलिटीज कि आप कहाँ पर हो, आपको कहाँ जाना है, आप अगले 5 साल में क्या अचीव करना चाहते हो, और जो कर रहे हो उनसे वो चीज़ हो सकती है कि नहीं। दिस इज द स्टार्क रियलिटी, यू हैव टू फेस इट। आपको बुरा लगेगा, मेरे को भी लगा था, और किसी भी बंदे को लगेगा जब कोई डिनायल मोड में रहता है कि नहीं नहीं यार हो जाएगा। भगवान आपकी हेल्प मतलब खुद प्रकट होके नहीं करते, दे यू नो सेंड आउट सम सिग्नल्स, कुछ आपको रास्ता दिखाते हैं। इट इज अप टू यू कि आप उस पर चलना चाहते हो कि नहीं चलना चाहते। सेकेंड थिंग इज वर्क ऑन योर सेल्फ, आपको अपने पे काम करना ही पड़ेगा। मैं मतलब एक एडवर्टाइजमेंट देख रहा था, मतलब यू कैन गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम एनी वे एनी थिंग, ठीक है। एक कोई ब्रांड है, आई वुड नॉट नेम दैट ब्रांड, उसमें क्या होता है, एक मोटा सा आदमी होता है, वो खूब एक्सरसाइज कर रहा होता है, तो उसको लगता है कि मैं इतना तगड़ा हो जाऊँगा। बट फिर वो एक फोटोग्राफ देखता है, उसमें एक आदमी छेनी और हथौड़े के साथ अपने आप को काट रहा होता है, तराश रहा होता है, और वो एक ग्रीक गॉड जैसी बॉडी बन जाती है, आई मीन वेरी मस्कुलर बॉडी। तो मतलब वो बंदा खा भी रहा है, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी कर रहा था, चीट भी कर रहा था, तो फिर वो सोचता है कि मतलब मैसेज वॉज कि आपको अपने पे काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप चीट भी करो और आपको रिजल्ट भी मिल जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद यू हैव टू सेट डाउन एंड यू हैव टू जॉट डाउन योर गोल कि आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, ठीक है, ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलर माइलस्टोन्स। ऐसा मेरे जो अपलाइन है उन्होंने मेरे को सिखाया एंड आई एम फॉलोइंग दैट। हमने 5 साल का गोल बनाया, ठीक है, 5 साल का गोल है, फिर उसको उन्होंने स्मॉलर माइलस्टोन्स में ब्रेक किया कि हाँ 6 महीने में ये हमारा हम ये अचीव करेंगे, साल भर में ये, 18 महीने में ये, और ऐसे ऐसे करते करते विल अचीव आवर गोल्स। अगर आपकी अप्लाई नहीं करी है तो ये गो एंड यू नो सिट विद देम, उनको बताओ कि हाँ मेरा ये गोल है। वैसे तो मेरी अप्लाई ने मेरे लिए खुद ही सारा काम कर दिया, आई एम रियली यू नो ग्रेटफुल टू देम कि मेरे को मेरे सारे काम वो पहले से मेरे लिए प्लानिंग करके रखते हैं। मेरा का क्या काम है कि हाँ जो वो बता रहे हैं कि उसको फॉलो कर दूँ, ठीक है। आई मीन कोई भी चीज़ आसान नहीं होती, स्पेशली इस मैग्नीट्यूड की, बट यस साथ में अगर कोई
हर्डल आता है तो घबराओ मत, ठीक है, अगेन टॉक टू योर अपलाइन, दे विल गिव यू अ न्यू स्ट्रैटेजी. जैसे मेरी अपलाइन करती है, मेरे साथ कितनी बार हुआ, दे ऑलवेज कम अप विद अ न्यू स्ट्रैटेजी. अब और ओपन टू आइडियाज, ठीक है, मतलब हमारी अपलाइन कहती है ना कि लाइक यार ये ऑडियो सुनो, ठीक है, ये वाली बुक पढ़ो, तो उसके पीछे एक रीजन है. वो चाहते हैं कि टीम में जो एक पर्टिकुलर माइंडसेट जो हमें चाहिए वो डेवलप होता जाए. जब वो बढ़ता जाएगा तो सक्सेस जग मार के अपने आप आएगी. दूसरी बात, ये मिरेकल्स एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, दिस इज अ बिग थिंग एंड इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम. अपने को एक ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए ताकि आपकी ग्रोथ हो सके. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अच्छे लोगों की, आई मीन जो जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जा रहे हो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इन जो भी सफल लोग हैं, कोशिश करो कि आप उनकी कंपनी में रह सको. अब आप हो सकते हैं उनसे मिल भी सकते हो, नहीं मिल सकते तो आप उनकी सीडी सुन सकते हो, वीडियो सुन सकते हो, और कुछ लोग बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ठीक है. उन जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, आप उनका माइंडसेट लेने की कोशिश करो, और उसका आज के टाइम में यू नो यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग, यू कैन गेट एनीथिंग ऑनलाइन. अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हो तो ग्रेजुअली धीरे 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 करके आप उस माइंडसेट को अचीव कर लोगे. एंड द डे, और ऐसा नहीं होगा कि लाइक छड़ी घुमाई जादू हो गया, नहीं, धीरे धीरे चीजें आपके सामने आने लगेंगी कि हाँ. मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिकॉज मैं कभी नहीं माना उनकी बात, और फाइनली जब मैंने उनकी बात माननी शुरू की तो उन्होंने जो जो बोला कि इतनी सीडी सुनो, वो बोलते थे दो सीडी सुनो, और बीच में मेरी ऐसा हो गया था मैं 6-6 सीडी सुन रहा था एक दिन में. आज भी मैंने 4 सीडी सुनी. सीडीज मतलब ऑडियो यूट्यूब वीडियोज, सीडीज तो अब होती नहीं है, मेरे पास तो सीडी प्लेयर भी नहीं है. तो मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ कि लाइक माइंडसेट इतनी पोटेंट वेपन है आपके पास, इतना पोटेंट टूल है आपके पास, ये अगर आपके पास आ गया, और ये आसानी से नहीं आता, यू हैव टू वर्क फॉर इट, अगर ये आ गया देन यू बिलीव मी गाइज यू विल बी लिमिटलेस. कोई लिमिट ही नहीं रहेगी हमेशा, यू नो क्या होते हैं उसको, क्या बोलते हैं, हर्डल्स आते हैं, शॉर्टफॉल्स हो जाते हैं कई बार. अगर आप बाउंस बैक कर रहे हो हर बार, ठीक है, तो बिलीव मी, थोड़ी सी स्पिरिचुअल बात करूंगा बट ये सच है, अगर आप ठोकर खाने के बाद बार बार उठ रहे हो ना, तो भगवान भी आपको इतना अपना प्रेम देंगे, बोलेंगे ये है लड़का, मतलब बंदा, और फिर देखना वो आपको कितना शॉवर करते हैं अपनी लव से. मैं माइंडसेट इज वन थिंग, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है. मैं जैसे राहुल जी ने भी कई बार बताया कि जो स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग है उसमें से अगर 100 लोग जाते हैं तो सेलेक्ट कितने होते हैं, 8 मैक्सिमम 10. सारे के सारे फौजी होते हैं, सारे के सारे इक्वली फिजिकली स्ट्रॉन्ग, बट जो सेलेक्ट होते हैं दोज आर द फ्यू जेम्स जो कि मेंटली टफ होते हैं. उनका माइंडसेट ऐसा होता है कि यस बॉडी टूट चुकी है पेन से, बट यस माइंड कह रहा है कीप गोइंग. और ये इसमें तो हम इतनी जद्दोजहद करने की ज़रूरत भी नहीं है इन दिस बिजनेस. द डे यू स्टार्ट फॉलोइंग द एडवाइस ऑफ योर अपलाइन टू गेट द माइंडसेट ऑफ सक्सेसफुल पीपल, दैट डे आपको सक्सेस ग्रेजुअली मिलना स्टार्ट हो जाएगा और यू विल सी इट. और सिर्फ इसी बिजनेस की बात नहीं है, एनीथिंग यू ट्राई, एनीथिंग विच इज़ न्यू, यू आर न्यू टू एनी पर्टिकुलर थिंग, आप उसको ट्राई करना शुरू करो. आफ्टर हैविंग दिस यू नो ग्रोथ माइंडसेट, चीज़ें अपने आप बदलने लगेगी. कोई क्या कह रहा है उससे लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बट दे शुड बी अ बिलीफ डीप इन विद इन यू कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा. और यू नो मैंने एक कोई मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक ऐसी कुछ हीरो टाइप होता है, वो एक मिशन पूरा कर देता है, सब लोग बोलते हैं इसके बस का नहीं है,
तो उससे कोई पूछता है कि तूने कैसे किया, तो वो बोलता है कि आई लव टू प्रूव पीपल रॉन्ग, जो बोलते हैं कि तेरे से नहीं होगा उनको गलत साबित करना चाहता हूँ। तो आलोक जी का भी वीडियो भी है ना कि जिद करो, जिद्दी बनो, तो थोड़ी जिद भी होनी चाहिए। जिद का मतलब ये, जिद को नेगेटिव टर्म्स में मत लीजिएगा, आई मीन अगर इसको इंग्लिश में बोले यू शुड बी डिटर्मिंड, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए। और ये तभी हो पाएगा जब एक एक हेल्दी माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले जोन में आप आ जाओगे। मैं सिर्फ इतना ही बोल पाऊंगा, एंड थैंक यू राहुल जी सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई होप मैं कुछ चीजें क्लियर कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच। वाओ वाओ वाओ, थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स, एग्जांपल, एंड जो भी आपने अपने साथ एक्सपीरियंस करा है उसको शेयर करने के लिए, थैंक यू सो मच। और आई होप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टिप्स भी मिली होंगी, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें समझ आई होंगी, है ना। देखिए कहीं ना कहीं आपको ये जरूर लग रहा होगा कि यार अब बिजनेस की तो कुछ बात नहीं हुई, है ना, माइंडसेट की बात हो रही है, लेकिन आप समझिए जैसे राहुल जी बोल रहे थे ना, अगर माइंडसेट समझ आ गया आपको, आपने कहाँ जाना है ना, तो फिर देखो फिर तो रास्ते तो आप ढूंढ ही लोगे बॉस, है ना। मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ ना कि आप सोच के देखिए, अगर मान लेते हैं आज मुझे यहाँ से अभी घंटाघर जाना हो तो मुझे कोई भेज नहीं सकता, या मैं आपको बोलूँ चलो अगर आपका घर 20 किलोमीटर दूर है और मैं आपको बोलूँ कि बॉस घंटाघर जाओ, आप बोलोगे यार क्या हुआ, मैं क्यों जाऊँ यार, राहुल सर कैसे जाऊँ यार, राहुल भाई कैसे जाऊँ। लेकिन मैं आपको बोलूँ घंटाघर के एक जगह पे ना 20 करोड़ रुपए दबा रखा है मैंने, अब बताओ कितने लोग तैयार हो जाएंगे, सारे लोग तैयार हो जाएंगे। पता है क्या, वो छोटी सी चीज आपके माइंडसेट में गई, एंड वो छोटी सी चीज ना आपके माइंडसेट को चेंज कर दी, अब आप नंगे पैर भी जाओगे राइट। तो क्या है, छोटी सी चीज माइंडसेट, है ना। और इस बिजनेस में हमारा माइंडसेट बनाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, सीडीज, बुक, जिनके बारे में राहुल जी बात कर चुके, बट मैं थोड़ा सा आज एक बात करूंगा थोड़ा डिफरेंट, है ना, कि माइंडसेट को इस बिजनेस की कैलकुलेशन के साथ कैसे यूज किया, क्योंकि जरूरी है, क्योंकि हम इस बिजनेस में माइंडसेट के लिए भी आए हैं, हम इस बिजनेस में सीखने भी आए हैं, लेकिन हम इस बिजनेस में कमाने भी आए हैं। पैसा तो इंपॉर्टेंट है बॉस, पैसा तो चाहिए राइट। तो मैंने एक एग्जांपल जरूर लिखा है यहाँ पर, जरूर आपको समझ आएगा, मैं बहुत शॉर्ट में जल्दी से फास्ट बताऊंगा, बिकॉज हमारे साथ आलोक सर भी है, मैं जरूर चाहूंगा वो भी लास्ट में 2 मिनट बात करें हमसे अगर उनके पास समय हो तो, है ना। अब आप देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों का अपना घर होगा, बहुत सारे लोग रेंट पे रहते होंगे, डजंट मैटर, है ना, कभी कभी बनेगा उनका इस बिजनेस के थ्रू बनेगा, कैसे भी बनेगा। आप सोच के देखो, घर बनने से पहले सबसे पहले क्या होता, ऐसा नहीं पैसा होगा तो घर बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों में बहुत पैसा है लेकिन फिर भी वो घर नहीं बनाते, है ना, या वो घर नहीं लेते कहीं भी। सबसे पहले क्या होता है, आपका विचार आता है, विचार क्या, थॉट तो है, एंड थॉट क्या, एक माइंडसेट ही तो है, मुझे घर बनाना है। अच्छा सोच भी लिया, अब आपके पास ये प्लॉट है मान लेते हैं, है ना, अब मैं बोल रहा हूँ घर बनाओ, इसमें कैसे बनाओगे घर बताओ मेरे को, मैं तो बोल रहा हूँ 2 कमरे बना दो, बढ़िया सा डुप्लेक्स बना, आप बोल रहे नहीं नहीं यार, मैं तो चाहता हूँ कि इसमें एक दुकान भी लगाऊं, मैं उससे कुछ अर्न भी करूं, ऊपर बना दूं एक जो डुप्लेक्स, तो वहां पर एक ऐसा कमरा बनाऊं जहां पर मैं किराए भी रखूं चाहता हूं, आप समझ रहे हो ना। तो वो सबसे पहले जो थॉट बनेगा, जो माइंडसेट होगा, कहाँ बनेगा, आपके दिमाग में तो बनेगा, फिर उसका ब्लूप्रिंट आप निकालोगे, नक्शे बनते हैं ना, मकान के नक्शे बनते हैं इस टाइप के, आजकल तो पास करवाने पड़ते हैं। तो पहले क्या होता है, आप सोच होते हो, फिर आप कॉन्ट्रेक्टर से बात करते हो, भाई ऐसे ऐसे बनाना है, ऐसे ऐसे बनाना है, आप, है ना, बहुत सारे लोगों को बुलाते हो, भैया हाँ, घर वालों से पूछते हो, भाई उसका ऐसा था, ऐसा देखा था, सारे आइडिया लेते हो। तो असली चीज क्या है, सबसे पहले घर बन थोड़ी ना गया कि आपने सोचा प्लॉट में डंडा ईंटे रखी और बन गया, पहले आपके दिमाग में आया कि कैसे बनाना है, फिर उसके बाद आपने पेपर में उसको किया, फिर उसके बाद उसको काम दिया पैसे से या ईंट लगा के, जैसे भी आपने मकान। इस बिजनेस में भी आप कैसी बिल्डिंग बना रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्या आप ऐसी बिल्डिंग बना रहे हो जहां से आपको किराया नहीं आएगा, या आप ऐसी बिल्डिंग चाहते हो कि जहां से आपको लाखों रुपए किराया है? तो आई होप सो बहुत सारे लोग बोलेंगे इस बिजनेस में हम इसीलिए तो आए हैं कि किराया बहुत सारा हमको है, है ना। तो किराए के लिए राइट स्ट्रक्चर विद द राइट माइंडसेट होना चाहिए, और मैं इसके 2 एग्जांपल दिए हैं, बहुत बार हम बात कर चुके हैं, लेकिन आज मैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, कुछ है ना, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं मुझे टाइम, तो मैं एग्जांपल देना चाहूंगा ना। हमारे बिजनेस में कंपनी की तरफ से भी एक माइंडसेट वाला गेम है, आप सोचो 9% में भी 2 है, एक 9% है और एक है BFI, मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताऊंगा, आप सोच के देखो
एक बंदे का माइंडसेट क्या है कि मुझे 1200 पीवी करना है पर मुझे 2 लाख के साथ करना है, ठीक है मान लेते हैं। अब आप इसको अभी इस केस में आप अपने को ये मानो, आप मेहनत करते हो, आपके साथ टीम मेहनत करती है, आपने अपना पर्सनल 200 पीवी करा, एक्स हो आप, ए ए ए ए टीम को आपने 700 कराया, बी टीम को आपने 300 कराया, है ना, तो देखो इसमें आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है। आपने 9% करा तो आपका पर्सनल का अपना 1440 मिल गया, मैं जल्दी चलूंगा बाद में स्क्रीनशॉट लेके कैलकुलेशन कर सकते, है ना, ए टीम से 700 था, ये 6% है पहुंचा तो यहां से 3% आपको मिल गया 1680, ऐसे यहां से आपको 6% मिल गया 1440, तो आपका टोटल बन गया 4560, 4560 रुपए आपने कमाए, ठीक है बढ़िया अमाउंट है। लेकिन मैंने क्या बोला है ना, क्या और किराया मिल सकता है? उसके लिए आप शुरू से क्या अपने माइंडसेट को इस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो कि मैं उतनी मेहनत में अगर ज्यादा पैसे कमा सकता हूं तो क्या बुरा है? क्योंकि ये बात मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कुछ स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम चल रही है ना, आई वांट कि उसको ठीक किया जाए। कंपनी के थ्रू ही कुछ ऐसी अमेजिंग चीजें हैं जो आप, हम बहुत सारे लोग यूज कर सकते हैं लेकिन नहीं कर, एंड बहुत सारे लोगों को समझ भी आ रहा होगा कि वो कितनी बड़ी चीजों को खो रहे हैं। और आज मैं बहुत बिल्कुल सिंपल शब्दों में शॉर्ट से एक एग्जांपल है बताने, आप देखिए यहां पर, अब आप इसको यहां मानो, एक ये एक्स वन है या एक्स टू है, एक्स टू बंदा है, इसने उतनी ही मेहनत करी जितने आपने करी, लेकिन उसने क्या करा, उसने 3 लोगों के साथ काम करा, एक को 400 करा, 300 करा, 300। अच्छा एक चीज आप समझो, एक बंदे को 700 कराना मुश्किल है कि एक बंदे को 300 कराना मुश्किल है या 400 कराना मुश्किल है? 700 कराना मुश्किल है ना, तो यहां पर मेहनत लगी ज्यादा कि नहीं लगी, यहां पर मेहनत कम लगी कि नहीं लगी? आप सोच के देखो भाई, 1 लेग को 600 कराना और 1 लेग को 3% कराना कौन सा आसान है? आप बताओ, 3% कराना आसान है ना, तो आसान काम से क्या करा इसने, 3 लेग बना दी, तो पर्सनल क्या इसको उतना ही मिला जितना यहाँ मिल रहा था, लेकिन इसकी 3 लेग है तो 3 लेग से इसको इतना इतना मिला, अगर इसका टोटल में लगाऊंगा तो 6240 रुपए इसको गया। किस केस में कितना मिल रहा था? प्लस कंपनी की तरफ से जब मैं बात कर रहा हूँ तो कंपनी बोल रही है कि अगर आप 3 स्ट्रक्चर के साथ करोगे तो आपको 15% में एक्स्ट्रा BFI दूंगी, जो कि लगभग 936 होता है, आपकी इनकम 7176। अब आप डिफरेंस खुद, मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल दिया आपको, ये बहुत ही छोटा सा एग्जांपल, एक एग्जांपल मेरे पास और भी है लेकिन मैं चाहूंगा वो जरूर हम कभी और यूज करें, है ना। अब आप देखो केवल मुश्किल से आप मान के चलो कम से कम 2500-3000 का फर्क आ गया। अब आप कैसी बिल्डिंग चाहते हैं? आप सोचो, आप ऐसी बिल्डिंग चाहते हो जिसमें आप रहो सब कुछ बढ़िया हो जाए, ऐसी बिल्डिंग चाहते हैं कि मैं तो रहूं ही रहूं लेकिन साथ में मुझे और कुछ किराया एक्स्ट्रा आ जाए तो क्या बुरा? प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी, माइंडसेट तो लेना है इस बिजनेस का, लेकिन माइंडसेट विद द राइट स्ट्रक्चर आल्सो, विद द राइट गेम प्लान आल्सो, राइट। तो बिल्कुल जितने भी लोग हैं, ये मैसेज आप लोगों के लिए है, माइंडसेट पे काम करना शुरू कीजिए, एंड माइंडसेट बदलने के लिए वी हैव अमेजिंग 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 लीडर्स, इतनी सारी ऑडियोज हैं हमारे पास सुनने के लिए, सुन डालिए लाइन से। मैं तो कहता हूं जितनी भी जहां से भी जो भी मटेरियल आपको मिलता है, नॉट केवल कि मैं एमवे की बात कर रहा हूं या हम अपने बिजनेस की बात कर रहे हैं, कहीं से भी आपको कुछ ऐसा पॉजिटिव है, ऐसा माइंडसेट मिलने की सुनने की आपको लगता है कि यार सुनना चाहिए, सुनिए उसको, क्या दिक्कत, और फिर जो उसमें अच्छा लगे उसको अप्लाई कीजिए। एंड आई एम टेलिंग यू, एक बार अगर आपके यहां पे पिक्चर बन गई ना, अब वो चाहे BFI की आप बनाओ अभी 1-2 महीने में, 2-3 महीने में, या फिर आप BBI की बनाओ या आप सिल्वर शिप की बनाओ, वो आपके ऊपर है, लेकिन एक बार अगर आपने वो पिक्चर बना दी, फिर मैं बता रहा हूँ थिंग्स विल गो वेरी स्मूथ। आज जो दिक्कतें आ रही हैं वो खत्म हो सकती हैं, और वो क्यों आ रही है उसका जवाब राहुल जी दे चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें, हमारा एक फिक्स माइंडसेट है जो अभी भी हमें परेशान कर रहा है। सो प्लीज उसको चेंज करें, इस बिजनेस को अमेजिंगली ग्रो करें, बिल्ड बिग, है ना। और मैं जरूर चाहूंगा मनोज, हाँ मनोज जी हमारे साथ है, मैं जरूर चाहूंगा कि वो 2 मिनट हमसे बात करें, फिर आई विल इनवाइट आलोक सर। तो मनोज भाई प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू सो मच, और जबरदस्त वंडरफुल सेशन था दोनों राहुलों का, और खासकर चंदेल जी का, दोनों ने देखे सिंपल सी चीज, एक चीज समझने की है, जो बंदा कर रहा होता है, ठीक है, खुद कर रहा होता है ना, उसका कॉन्फिडेंस बोलने लगता है,
राहुल चंदेल जी जब इस चीज को अप्लाई करने लगे और वो उनका कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट दिख रहा था, और उन्होंने माइंडसेट के ऊपर जो चीज बोली है, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद किसी को भी कुछ मतलब समझाने की एक्स्ट्रा जरूरत है। देखिए इस बिजनेस से सबसे सटी सबसे अच्छी चीज क्या है कि आप किसी दिन भी रेडी हो जाएंगे और उसको अप्लाई करने लगेंगे तो उसके कुछ दिनों के बाद में आपके पास रिजल्ट आने लग जाएंगे, जैसे राहुल जी के पास आ रहे चंदेल जी से, ठीक है ना। आप देखेंगे कि जब आपका माइंड पॉजिटिव थॉट निकालने लग जाएगा, थॉट निकलेंगे आपसे, तो आप देखेंगे कि उसी तरीके का आपको माहौल मिलेगा और उसी तरीके का आपका नेटवर्क भी बिल्डअप होने लग जाएगा। सोच को बड़ा करने की जरूरत है, बस ज्वाइन हो जाते हैं माइंडसेट के ऊपर काम करने के लिए। देखिए आपको कंटिन्यू, अगर आप ग्रुप्स में हैं तो आपके पास सीडीज भी आ रही हैं, आलोक सर इतने थॉट्स भी भेजते हैं, आपको उनको केवल अप्लाई करना है अपनी लाइफ में, और जो चीज बोली जा रही है, ठीक है। भावना मैम ने देखिए अभी कुछ दिन पहले तक ही क्या कहते हैं आपको प्रॉपर चोपड़ा सर का 21 दिन का ठीक है मेडिटेशंस का वो भी भेजा था, तो आप ये देखेंगे कि आपको एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर पर्सन बनाया जा रहा है, ठीक है, और उसमें आपके पॉजिटिव थॉट डालने के लिए मटेरियल भी तैयार है, बस लेने के लिए आप तैयार रहिए, बस सिंपल सी चीज है कि आपको लेना है। और आपको एमवे को जिस तरीके से राहुल जी बता रहे थे ना कि जब तक आप अपने 5 साल के गोल को सेट नहीं करोगे और उसको डिवाइड नहीं करोगे छोटे 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 गोल्स में, ठीक है, तब जाके आपको लगेगा कि हम क्या बड़ा कर सकते हैं और उसको कैसे अचीव किया जा सकता है। टीम तैयार है, ठीक है, मेंटर तैयार है, आपको रेडी होना है। तो थैंक यू सो मच, बैक टू थैंक यू सो मच मनोज भाई फॉर सच अ वंडरफुल वर्ड्स एंड विजडम। सो मैं अब दोस्तों बुलाने वाला हूँ, है ना, हमारे मेंटर जिनके वजह से आप सोच के देखिए मेरा माइंडसेट चेंज हो गया है ना, मैं अपने को मानता था कि मेरा माइंडसेट कोई चेंज नहीं कर सकता, है ना, तो जिन्होंने मेरा माइंडसेट चेंज करा मैं जरूर चाहूंगा आप उनको भी सुने, तो बिकॉज उनके एक एक वर्ड्स है ना, हम लोगों की बोलते हैं ना बिजनेस चेंज हो जाते हैं ना, बिल्कुल 180 डिग्री चेंज हो जाते हैं, तो मैं जरूर चाहूंगा। आलोक सर मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, प्लीज ओवर टू यू। थैंक यू राहुल, और बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग लोगों को ग्रो होते हुए देखते हैं, तो वही मैं राहुल चंदेल जी को सुन के बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि पढ़े लिखे पहले से थे वो, है ना, बस कॉन्फिडेंस शायद क्योंकि सब्जेक्ट नहीं था उनका ये, तो इसलिए कॉन्फिडेंस नहीं था इस चीज के ऊपर, बट आई एम वेरी हैप्पी दैट ही हैज टेकन अ डिसीजन टू वर्क ऑन हिमसेल्फ और रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, है ना, एंड कितने अच्छे तरीके से अपनी बात को समझा पा रहे हैं, तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है ना, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत जल्दी हम उनको अचीव करते हुए भी देखेंगे, है ना, BFI, BBI एंड बियॉन्ड सब कुछ, जो भी उनका विश्वास है इस बिजनेस में, है ना, क्योंकि जब वो बात करते हैं तो लगता है कि 100% फेथ के साथ में बात कर रहे हैं, ना, खाली सुपरफिशियल बातें नहीं है, सुनी सुनाई बातें नहीं है कि कोई सीडी में सुनी है किताब में पढ़ी बोल दिया, तो वो ये दिल से ही करना पड़ेगा दोस्तों, है ना, वो डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, और जैसे राहुल नेगी जी ने बताया, है ना, कितने अच्छे तक कितनी जबरदस्त स्टोरी, है ना, मुझे लग रहा था कोई मीटिंग आगे होगी तो मैं भी सुनाऊंगा उस स्टोरी को, है ना, कि एक ही सिचुएशन में होने के बाद भी यदि वही वाली बात है दोस्तों, ये तो देखिए आप सब समझेंगे ही, ऐसी सैकड़ों स्टोरियां हैं, है ना, सैकड़ों स्टोरियां हैं इस तरह की, और लेकिन वही वाली बात है कि कुछ लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन है और कुछ लोगों के लिए स्टोरी है, है ना, मजा तब आएगा जब हम लोग इन चीजों को रिलेट करेंगे और सच मानेंगे इन चीजों को, और अपने को भी उसी तरीके से वो जो ग्रोथ माइंडसेट की बात की जा रही है ना, उस तरीके से सेम पेज में हम लोग जब होंगे, है ना, कि भावना आलोक, मनोज सिद्धि, राहुल प्रीति और फिर आप लोग, है ना, आप सब लोग यदि एक ही सोच के साथ में हम लोग रहेंगे, सिंक रहेंगे, एक ही बात बोल रहे होंगे, एक ही चीज सोच रहे होंगे, तो फिर जो चीज होगी वो एक बहुत अनोखी चीज होगी, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो आप सोच भी नहीं रहे, पॉजिटिव है, है ना, और जैसे राहुल जी बोल रहे थे ना, देखिए मैं समझता हूँ उस चीज को, कि जैसे वो बोल रहे थे कि मिरेकल मत एक्सपेक्ट कीजिए, नेचुरली उनका कहने का मतलब ये था
कि बहुत जल्दी ऐसा मत सोचिए कि आज ही हम कुछ करेंगे तो आज हो जाएगा, बट मेरा जो 22 साल का एक्सपीरियंस है मैं मानता हूँ कि मिरेकल भी होंगे इस बिजनेस में, लेकिन वो भी तभी होंगे जब आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे कि मुझे वो सब कुछ करने को तैयार रहना है जो सक्सेस मांगती है, जिसको बोलते हैं पेइंग द प्राइस। और फिर आप देखना इसमें, मैं उस बात को मैं छोटा नहीं कर रहा हूँ जो राहुल चंदेल जी ने बोला, लेकिन मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं यदि आप देखिएगा राहुल चंदेल जी खुद हमारे सामने एग्जांपल होंगे कि इन्होंने बहुत 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 मेहनत करने के बाद अब जाके चेंजेस आने शुरू हुए, क्योंकि शायद हाफ हार्टेडली एफर्ट्स डाल रहे थे पहले, है ना। और अब देखना आप 1 महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने में कुछ ऐसा दिखेगा आपको उनके बिजनेस में, और नेचुरली आपके बिजनेस में भी हो सकता है कि कुछ इस तरह के लोग आएंगे जो बहुत फास्ट इस बिजनेस को ले जाएंगे। तो मैं तो यही बोलूंगा दोस्तों कि आप विश्वास कीजिए बिजनेस के ऊपर। और भावना थोड़ा सा बात करना चाहेंगे आपसे, सो ओवर टू भावना। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। और सुपर ऑसम टॉक है ना, बहुत ही बढ़िया माइंडसेट के ऊपर जो बात की गई है, और राहुल स्क्वायर ने जो है वो प्रूव कर दिया कि दे कैन डू इट, है ना। सो मेरी तरफ से मैसेज ये रहेगा टेक होम के लिए आपके लिए कि फेक इट टिल यू मेक इट, राइट, कहीं पे लिख लो इसको, इट्स अ वेरी पावरफुल सेंटेंस, है ना। जब तक आपको लगता नहीं कि कुछ हो सकता है आपके लिए, तब तक आप जब प्रिटेंड करना शुरू करो ना, आपने आलोक जी से सुना होगा काफी टाइम, है ना, ही ऑलवेज यूज टू से कि भाई फेक इट टिल यू मेक इट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको मतलब करना शुरू करो, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप नॉर्मली उन चीजों के मतलब अट्रैक्ट भी करोगे, उन चीजों को अचीव करोगे, उन चीजों को करने लग जाओगे, है ना। जो चीजें पसंद नहीं आती उनको करना शुरू करो, है ना। तो उसको कहीं पर आप लिख लीजिए, और इट इज अ वेरी पावरफुल मैसेज, इसको करो। माइंडसेट के लिए काफी सारी चीजें दे चुके हैं ये लोग, है ना। तो कुछ भी चीज में से आपको जो अच्छा लगता है पहले तो वहां से शुरू करो, और फिर कोशिश करो कि जितने भी चेकलिस्ट दी गई है सारी चीजें हम करना शुरू करें, और हम लोग जैसे आलोक जी बोले ना सारे एक सिंक में आ जाएं, है ना। 10 लोग 20 लोग 30 लोग अगर हम एक ही सिंक में होंगे तो हम वी कैन डू वंडर्स, है ना। और कोई भी लेवल मतलब 10,000 इज जस्ट अ गेम। तो अगर हम सिंक में आ जाएं, सिंक में आने की कोशिश करो, है ना। हमारे तो काफी सारे ग्रुप्स बने हुए, गेम चेंजर भी हमारे पास है, ये वाला ग्रुप भी है। वी फील कि एक सिंक में आने की जरूरत है, एंड इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हम लोग वहां पे अपने हर चीज को पूरा कर सकते हैं, एंड वी कैन एंजॉय द बीचेस ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच, एंड बैक टू आलोक जी। वाओ दोस्तों, बस यही कहना था। और देखिए, वी रिस्पेक्ट यू, है ना, आपके सपनों को भी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी मेहनत को भी रिस्पेक्ट करते हैं, बट चैलेंज यही है कि हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ आपको दे दें, समझिए इस चीज को, है ना। हमारे हाथ में प्लान है एमवे का, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइंस हैं हम लोगों की जो हमारे साथ में अवेलेबल हैं, है ना। चाहे वो नारंग जी की बात करता हूँ मैं, चाहे कुमार की बात करता हूँ, जिनके मैं टच में रहता हूँ रेगुलर जो है। अब वो प्लान के हिसाब, प्लान को समझना है, और प्लान को किस तरीके से हम लोग वो काम करें हमारे लिए प्लान, है ना, इस पे फोकस करना है। और यही शायद बार बार मनोज की बात हो, चाहे राहुल की बात हो, चाहे भावना बोलती हो आप लोगों को, हम बार बार यदि थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं आप लोगों को तो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें पता है कि मेहनत तो उतनी ही लगनी, लेकिन यदि उसको सही तरीके से इस टाइम पे कर लेंगे, थोड़ा स्ट्रक्चर बेटर कर लेंगे, तो हम जितना पैसा कमा रहे होंगे उससे शायद 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा पैसा कमीशन हमारा आ रहा होगा। तो सोच के देखिए, है ना, क्योंकि हमारे पास एक्सपीरियंस है। और एक और कमाल की बात बताऊं दोस्तों, आज भी यदि भावना और मैं बिल्कुल जिद कर लेना हम लोग की भाई दिन रात एक कर देंगे हम लोग, तो शायद हम लोग 500 PV कर लेंगे मैक्सिमम बस अकेले, है ना। लेकिन जब आप इमेजिन द पॉसिबिलिटी जो मैं भेजता हूँ, आप देखते होंगे तो लाखों PV उसमें हो रहे हैं। तो ये ताकत हमारी नहीं है दोस्तों, ये नेटवर्क की पावर है। और वही नेटवर्क जिस दिन आपके लिए बन जाएगा, वो सब आपके पावर हो जाएगी, और वो सब आपको मिलने लग जाएगा। इतना ही सिंपल है, इतना ही इजी है, आप समझिए इस चीज को, राइट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, और बिल्कुल 2022 के लिए हम लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं जो सितंबर से शुरू होना है। बट बार बार अभी हम लोग जो अगले 5 महीने में आपसे बात करेंगे, हम ये बोलेंगे जरूर आपको कि हम सितंबर से करेंगे, बट इट डज नॉट मीन कि हम सितंबर से बिजनेस करेंगे, अभी हम आराम से करेंगे, नहीं। यही टाइम है प्रैक्टिस का, है ना। थोड़ा सोच के देखिए, जिस दिन ओलंपिक में जाता है आदमी रेस करने के लिए, है ना, वो तब उससे पहले वो तैयारी कर चुका होता है 4 साल, तो वो इंपॉर्टेंट वो रेस नहीं होती, इंपॉर्टेंट होती है उस 4 साल में क्या किया उसने। तो इसीलिए ये 5 महीने 5.5 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, है ना, और वो तैयारी होगी हमारी सितंबर की, जो हमारा मिड टर्म गोल होगा अगले साल के लिए, है ना। आप में से कई लोग प्लैटिनम जा सकते हैं, कई लोग फाउंडर प्लैटिनम जा सकते हैं, एटलीस्ट इतना तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैं एमरल्ड डायमंड की बात नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है प्लैटिनम और फाउंडर प्लैटिनम का मतलब होता है, प्लैटिनम मतलब मिनिमम 10 लाख रुपीज, फाउंडर प्लैटिनम मतलब मिनिमम 17 लाख रुपीज इस साल में, अगले साल में आपको मिल सकता है। तो एक अच्छी खासी शुरुआत हो सकती है लाइफ की, और उसके बाद यदि हम सही तरीके से इस बिजनेस को करते हैं और सही वाइटल्स के साथ में करते हैं, है ना, कोई हैंकी पैंकी नहीं करते हैं, अपने मतलब बिल्कुल
बिल्कुल सॉलिड बिजनेस करते हैं तो फिर वो हमेशा की चीज बनेगी आपके लिए, है ना, एक पक्की चीज, पक्की नहीं बनेगी। जैसे कि आज हम हमारा बिजनेस देखते हैं कि कुछ भी हो जाए, कोरोना आ गया, नहीं आया, कोई चला गया, किसी ने छोड़ दिया, कोई और कंपनी आ गई, हमारे इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, देखते होंगे आप इस चीज को, वो बिजनेस के कारण से है, वो स्ट्रक्चर के कारण से है। तो मैं चाहूंगा थोड़े दिनों के लिए हम अनकंफर्टेबल होते हैं, ये अगले 5-6 महीने के लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल होते हैं, है ना, कोई चीज नहीं भी पसंद आती है तो भी बात करते हैं एक दूसरे से हम लोग, और देखिए क्या मजा हो सकता है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थोड़ा सा ज्यादा शायद बोल दिया हम लोगों ने, बट आप हमारी सबसे सबसे स्वीट और सबसे बहुत क्लोज टीम है, है ना, और कुछ लोगों के लिए तो इतना इमोशनल हम लोग हैं कि बिल्कुल, मतलब पता नहीं क्या, हमें लगता है कि बस भगवान फटाफट वो होने लगे, है ना। और ऐसे ही जिनके लिए हम लोग इमोशनल है वो आप लोगों के लिए इमोशनल है ना, वी आर अ फैमिली, वी आर ऑलवेज विद यू, है ना, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने देना है, कोई भी चीज होगी, बस एक मिशन होना चाहिए हमारा कि हमें फ्रीडम चाहिए यहाँ से, और बिल्कुल होगा, वी ऑल आर विद यू, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच आलोक सर, थैंक यू सो मच भावना मैम, एंड अमेजिंग, है ना। देखिए मैंने आपको बोला था ना कि उनकी 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट की टॉक आपके बिजनेस में अमेजिंग चेंज ला सकती है, राइट। एंड उनकी बात, राहुल जी की बात, एंड अगर आपको थोड़ी बात मेरी समझ आई हो तो प्लीज इनको अप्लाई करें, है ना, हम आपका भला चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो आप केवल ग्रो करें, हम कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बिजनेस डाउन जाए, है ना, ये प्लान में आपको पता है, मुझे समझाने की जरूरत है, राइट। तो अगर मैं भी चाह रहा हूँ आपकी सक्सेस, आप भी चाह रहे हो आपकी सक्सेस, आप दोनों मिलके काम करें, तो मुझे लगता है फिर कोई दुनिया की ताकत, कोई नेगेटिविटी, कोई लोग, कोई परिस्थिति रोक नहीं सकती हमको, है ना। और आलोक सर हमेशा एक बात बोलता है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, है ना, इस बिजनेस में, है ना, आपके लोग और आपकी परिस्थिति इस बिजनेस में आपकी असफलता के कारण नहीं हो सकता, है ना, आपके लोग और आपकी परिस्थिति, योर पीपल एंड योर कंडीशंस इस बिजनेस में आपके फेलियर का कारण कभी नहीं होंगे। सो प्लीज अपने माइंडसेट को बिल्ड कीजिए, अपने ऊपर काम कीजिए, स्ट्रक्चर पे ध्यान दीजिए, एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।